आप लोग इस टूर से संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोगों से कितना रुपया लिया गया है? 4000। कितने स्टूडेंट आप लोग पढ़ते हैं यहाँ पे? 97। तो 100 के हिसाब से आप लोगों के लिए ट्रेवलर बस की जानी थी, लेकिन आप लोग इस बस से जा रहे हैं, क्या आप लोग संतुष्ट हैं पूर्णतः? नहीं। आप लोगों के साथ गबन किया गया है कि नहीं? आप अपना पूरा परिचय दीजिए। हमारा नाम ऋतिक गुप्ता है, हम कोलसा बाजार के निवासी हैं। हमारी बहन यहाँ रामनाथ धनंजय महाविद्यालय में बीएड कर रही है। इस बार उनका फाइनल ईयर का एग्ज़ाम हो चुका है और उन लोगों से रिजल्ट भी आ गया। उन लोगों से टूर का पैसा लिया गया था कि 4000 रुपये देना है टूर का। तो इस मतलब पूरे इनके पास 100 सीटें हैं, 100 विद्यार्थी इनके हैं। इन्होंने सबसे पर लड़कियों से 4000 रुपये लिया है। चूँकि उस हिसाब से 4000 लेने के हिसाब से इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की थी। यहाँ लड़कियों को 7:30 बजे बुला दिया गया और बाकी इन्होंने इनका कोई प्लान भी नहीं था। इन लोगों को मथुरा और आगरा का प्लान दिखा के 4000 रुपये लिया गया। बाद में बोल रहे हैं बनारस घुमा दें, गोरखपुर घुमा दें। लड़कियों के हंगामे के बाद इन्होंने बस जो बस की है तो ट्रेवलर बस वही नहीं है, स्कूल की बस की है। अब बताइए और इनके साथ 50 लड़कियाँ गई हैं, 50 गई भी नहीं। इतना पैसा इन्होंने लिया और उसको सदुपयोग में नहीं लाया, लड़कियों से घपला कर रहे हैं। बाद में बहुत कहा सुनने के बाद ये तैयार हुए। उसके बाद भी 50 लड़कियों के साथ कोई महिला स्टाफ नहीं है, सब पुरुष स्टाफ जा रहे हैं। और बस जो है इनकी लोकल यही स्कूल की बस है। अब ये बताइए वो भी उसकी कंडीशन भी सही नहीं है, लोग बता रही हैं, बच्चियाँ ही बता रही हैं कि अक्सर ये खराब होती है। उसके बाद ये बताइए 15-20 घंटे का रास्ता वो कैसे इस सफ़र में काटेंगे, वो भी इस गर्मी में। बाकी हमारा यही अनुरोध है किसके प्रबंधक से बात हुई जी, प्रबंधक से बातचीत हुई लड़कियों की, उनसे कहा सुनी भी हुई, बहुत कहने सुनने के बाद तैयार हुए। उन्होंने ये तैयारी की कि हाँ ठीक है हम जाएंगे, आप लोग जाइए, आप लोग समझिए। उनका ये था कि एक आंदोलन होने वाला है किसानों का, इसलिए वो नहीं ले जाएंगे। बाकी उन्होंने उसके पहले कोई प्रिपरेशन नहीं की कि हमको टूर ले जाना है नहीं ले जाना है। लड़कियों को यहाँ 7:30 बजे बुला लिए और अपने खुद स्टाफ के साथ 9 बजे आए और लड़कियाँ यहाँ 2-2.5 घंटे से बाहर घूम रही थी। हमारा निर्णय ये निकला कि प्रबंधक जी अगर आप टूर ले जाने में असक्षम हैं तो हमारा पैसा आप वापस कर दीजिए। लेकिन प्रबंधक जी ने साफ साफ इनकार कर दिया कि हम पैसा वापस नहीं करेंगे। गरीब परिवार से जो लोग जो लोग गरीब परिवार से 4000 रुपये दे रहे हैं वो कहाँ से देंगे? देने के बाद जो कहीं घुमाने अगर नहीं ले जाएंगे तो कोई मतलब कहाँ निकलेगा? जब 4000 हम देंगे आप गोरखपुर ले जाके घुमा देंगे तो क्या मतलब निकलेगा? 4000 ले रहे हैं कि एक हफ्ते का टूर है तो एक हफ्ता घुमाइए, हमारा मकसद यही है। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।